हजारों बरस कदीम कुदरती ऐसी गर्मी में भी जिंदगी पुरसकून बादगीर कैसे तामीर किए गए ईरान के रेगिस्तानी शहर यज्त में मौसम गर्मा में दर्जा हरारत चालीस डिग्री सेल्सियस ऐसी तजावज कर जाता है लेकिन शदीद गर्मी भी वहाँ के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्यूँकी उनके पास कुदरती ए सी है कुदरती एयर कंडीशनर ऐसी मुराद उनका बाद बादगीर बादगीर यानी हवा को खींचने वाली यह तमीर किसी चिमनी जैसी है और ये ईरान के रेगिस्तानी शहरों की कदीमी इमारतों पर बनी नजर आती है इलाका मकीरों के मुताबिक ये बाद ठंडी हवा को खींच कर इमारत के नीचे ले जाने का काम करते हैं और घरों को ठंडा रखने में मदद मिलती है इनसे गर्मी की वजह से खराब होने वाली चीजों को बचाने का काम भी लिया जाता है बादगीर इमारतों के सबसे ऊंचे हिस्से में तामीर किए जाते हैं बादगीर की तामीर इस के साथ की जाती है की माहौल में मौजूद हवा को खींच कर वो नीचे की जानब ले जाए और ठंडी हवा के दबाव से गर्म हवा इमारत से निकल जाती है इस गर्म हवा को बाहर निकलने के लिए बादगीर के दूसरी जानबे खड़की नुमा जगह खुली छोड़ दी जाती है तहकीक से ये पता चला कि बादगीर की मदद से दर्जा हरारत को 10 डिग्री तक कम किया जा सकता है एहद कदीम में मिस्र से लेकर अरब और बाबुल की तहजीब तमदन में इस तरह के फन तमीर की कोशिश की गयी जो मौसम की सख्तियों को दूर कर सके इस कस्म के बादगीर या हवादार इमारतें मशर के वस्ता ऐसी लेकर मिस्र और पाको हिंद में नजर आती रही है ईरान में कई इमारतों आरोप तमीर बाद चौदहवीं सदी तक के है फारसी शायर नासिर खुसरो की शायरी में भी इसका जिक्र किया गया है और इनका जमाना तकरीबन एक हजार साल पहले का है जबकि मिस्र में हजरत ईसा आलाम के दौर से भी तेरा सौ साल पुरानी बास पेंटिंग्स में इसका नमूना नज़र आया है